हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका टेक क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग NKUGC नेट GRF के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 PY2 सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो PY2 डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेकर 2023 तक के हैं। इन सारे लेटेस्ट PYQs मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो जरूर से ये 1000 PY2 सीरीज को अच्छे से रिलीजियसली हर एक लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ट्रस्ट मी हर एक लेक्चर इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से क्या पूछ किया जाए। लेकिन अगर आप ये 1000 PY2 सीरीज का हर लेक्चर देख लेंगे देन ट्रस्ट मी आपके लिए पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ही ईजी बन जाएगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअली में हमारा 166th क्वेश्चन। 1 टू 165 क्वेश्चंस कहाँ पे है? इससे पहले वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो सीरीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आपने मिस किया है 165 क्वेश्चंस को तो अनुम रिवाइज सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए वहां से जाके उनको कवर अप कीजिए, ठीक है। Which of the following industry verticals received boost amid COVID-19 pandemic lockdown? बोलते हैं COVID-19 का जब lockdown चल रहा था, ठीक है, उनमें से कौन सी industry है जिसको boost मिला, boost यानी जिनका उल्टा business बढ़ा है? Online education, gaming and entertainment, हाँ भाई ये तो बढ़ा ही था सबसे ज्यादा, तो online education, gaming का, entertainment का लोगों को बढ़ा ही था, first तो आएगा ही है, D option तो गया। E-commerce एंड E-payment infrastructure, ये भी बढ़ गया था ना, लोगों ने पहले सब लोग लाइट का बिल होता था, मोबाइल का बिल होता था, शॉप्स पे जा जाके पे करते थे, अब सब लोग मोबाइल से ही कुछ से ही पे कर लेते हैं ना, यानी सेकेंड भी आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे सेकेंड है ना, ए और सी, बी में नहीं है तो कट कर दू। रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स तो है बट रिटेल बढ़ा था नहीं है ना, यानी ये कट हो गए। हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ये बढ़ गई, सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी हॉस्पिटल्स की है ना, यानी 1, 2 और 4, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, टिक नहीं, यहाँ पे ए ही होगा बराबर, ए नहीं, ए होगा सी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिखा है, रिटेलिंग बूस्ट नहीं हुई थी कोविड के टाइम पे, सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स बूस्ट हुआ था। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, यहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली बूस्ट नहीं हुआ था, तो फिर ठीक है, फिर राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या क्या बूस्ट हुआ था कोविड के टाइम पे? ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स और रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल। रिटेलिंग आप ऐसे मान के चलो कि ऑनलाइन जो है, ई रिटेलिंग जो है वो बढ़ती है ना, वैसे मान के चल सकते हैं। फार्मास्यूटिकल तो वैसे भी नीड बढ़ गई थी, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी नहीं होना चाहिए था इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता फिर से, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है COVID-19 जब था तब था, तो उस साल या उसके नेक्स्ट साल क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना, अब तो ऐसे क्वेश्चन फिर से नहीं आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 167th क्वेश्चन, मैचअप है, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन किससे है? रेशियो से, ठीक है। मैंने रेशियोज आपको कराए हैं, रेशियोज आपको अकाउंटिंग में भी काम आते हैं, ठीक है, और बिजनेस फाइनेंस में भी होते हैं रेशियोज, है ना। तो मैंने आपको ना रेशियोज बिजनेस फाइनेंस के 3 लेक्चर में रेशियोज कराए हैं। एक लेक्चर में मैंने आपको कराया था प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो, दूसरे लेक्चर में मैंने कराया है बैलेंस शीट के रेशियो, तीसरे लेक्चर में मैंने कराया कंपोजिट रेशियो, यानी इन दोनों के मिक्स रेशियो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको सारे रेशियो जो यहाँ पे मेंशन है और इसके अलावा भी बहुत सारे रेशियो, टोटल 18 टाइप के रेशियोज मैंने यहाँ पे कवर किए हैं इस लेक्चर में, विथ वो क्या है रेशियो डिटेल में, उसकी फॉर्मूला क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, जरूर से जाकर बिजनेस फाइनेंस के वो 3 लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है, ठीक है, आप वहां से जाकर देख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगी, फॉर्मूला भी पता चल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको अगर सम्स आ गए इनमें से किसी रेशियोज पे तो वो भी आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहे, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आप इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहे हो, यानी क्या हुआ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलना चाहिए कि आप इंटरेस्ट पे भी कर पा रहे हो कि नहीं, यानी ए का तो क्या आएगा 3 आएगा,
ये भी कट गया, ये भी कट गया है ना। लिक्विडिटी क्राइसिस, आपके पास पैसों की कमी है, शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसों की कमी है। ये आपको कहाँ से पता चलता है? ये आपको पता चलता है करंट रेशियो से, यानी पी का वन है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी वन। अब फिर भी एक बार बाकी सेफ साइड चेक कर लेते। सी का सेकेंड है इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल कहाँ से पता चलते हैं? डेटर्स टर्नओवर रेशियो से। लिक्विडिटी कहाँ से पता चलती है? करंट रेशियो से। इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, वो कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। और रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स रिटर्न फंड बीइंग मच हायर देन द ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमें कैसे पता चलेगा कि शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, आपके डेटर्स को कितना मिलता है, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स को कितना मिलता है, इन सबको क्या क्या मिलता है, वो हमें डेट इक्विटी रेशियो से पता चलता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी मैचअप था। देखो आप लोगों को अगर आते थे बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी थी तो बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, नहीं है जिसके ऊपर सम्स भी आते हैं, फॉर्मूलाज भी पूछी जाती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट मी वो तीन लेक्चर देख लीजिए बिजनेस फाइनेंस के, आपको सारे सम्स सारे फॉर्मूला सब कुछ हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं पता है करंट रेशियो क्या है, डेटा टर्नओवर रेशियो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, उनको उस लेक्चर्स में, तीनों लेक्चर्स में ये सब मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 168 क्वेश्चन, रिलेशनशिप बैंकिंग, अगेन मैचअप है। रिलेशनशिप बैंकिंग क्या होता है? क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, यानी फर्स्ट का तो डी हो, फर्स्ट का डी होगा तो डी वाला ऑप्शन कट गया। फिर आता है आपका मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग या इंडिजीनियस बैंकिंग। इंडिजीनियस यानी पुराने जमाने का बैंकिंग, इसमें क्या करते थे? हुंडीज और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होते थे, यानी थर्ड का क्या आएगा? ए। थर्ड का ए आएगा तो टी भी कट गया है ना। डेवलपमेंट बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग क्या होगा? एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैपिटल इश्यू मैनेजमेंट की वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योरियल बेस, तो ऑब्वियस है वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योरियल बेस यानी बी आएगा फोर्थ का ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैचअप में आप दो या तीन सेट कर लेना, खुद ही सेट हो जाएगा। जैसे मेरे को समझ आता है रिलेशनशिप बैंकिंग, यहाँ पे रिलेशनशिप और यानी फर्स्ट तो यही होगा है ना। फिर मेरे को मर्चेंट बैंकिंग का श्योर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे को इंडिजीनियस बैंकिंग पता था, हुंडीज और ये सब, तो ये भी हो गया। फिर मेरे को डेवलपमेंट बैंकिंग से समझा कि दोनों को ऐसे कौन सा राइट हो सकता है। डेवलपमेंट बैंकिंग किसके लिए होता है? कि आप एंटरप्रेन्योर्स को, अच्छा इंडस्ट्रीज को अच्छा आगे बढ़ाओ है ना। तो वो ऑटोमेटिकली जिसका मेरे को श्योर नहीं था वो मेरे को आंसर मिल गया है ना। मर्चेंट बैंकिंग मुझे श्योर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बी और सी में कंफ्यूज हो गई, तो वो कंफ्यूजन कट गया बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। मैचअप्स में ऐसे ही होगा, इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैचअप में, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपके लिए काम बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 169 क्वेश्चन, इन अ सर्वे पीपल आर चूज फ्रॉम क्लास, फ्रेंड्स और नेबर्स फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर अ सर्टन ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोलता है लोगों के दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछ के, ठीक है, अपने नेबर से या अपने फ्रेंड से पूछ के आपने पूछा है कि उनको कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पसंद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सीधी बात है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? जहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल के केस पे आपको सामने वाले से क्या पूछना था कि आपको कौन से सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पसंद है, राइट? तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा है, अपने नेबर से पूछा है, जो आपके आजू बाजू में है, आपने अपनी कन्वीनियंस लेके उनसे सैंपल लिया है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है? कन्वीनियंस सैम। ठीक है, फिर आपका बाकी ऑप्शन भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है? जैसे कि आप टीवी शोज देखते हो है ना, वहां पे जजमेंट एंड सैम्पलिंग होता है, डीआईडी, या जैसे आप बोलते हो बाकी जो सारे ऐसे सिंगिंग डांसिंग के शोज आते हैं टीवी पे, वो क्या होती है? जजमेंट सैम्पलिंग होती है। क्यों? क्योंकि तीन चार जो जज बैठाए रहते हैं उन्होंने, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कंटेस्टेंट ने अच्छा डांस किया नहीं किया, क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना।
पे रहता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर मतलब क्या कि आप पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर रहे हो, ग्रुप में से ले रहे, ठीक है, पूरे के पूरे ग्रुप में से ग्रुप को ही पिक कर रहे हो, क्लस्टर को ही पिक कर रहे हो। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अलग अलग स्ट्रेटास में से, अलग अलग ग्रुप्स में से एक ले रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग एंड लास्ट है आपका स्ट्रेटिफाइजिंग, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोलूंगी यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पक्का आता है पेपर वन में भी, पेपर टू कॉमर्स में भी। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग नहीं पता है बिल्कुल भी, ठीक है, इसके अलावा भी सैम्पलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर से जाके रिसर्च का लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है सैम्पलिंग बिल्कुल भी, या आपको उसके मेथड्स नहीं पता है, तो ट्रस्ट मी आप टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का रिसर्च एप्टीट्यूड का वो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए वहां से जाके सारे सैम्पलिंग के मेथड्स कवर कीजिए। एंड इवन क्लस्टर में स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस क्या है वो वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है अलग से, ठीक है। सो वो भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज और, मैं सीरीज में वो चीजों को बिल्कुल ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, तो चीजें ऑलरेडी मैंने डिटेल में किसी लेक्चर में कहीं पे कवर की है इस चैनल की, राइट। उसके लिए मैं आपको लिंक्स बता देती हूँ कि जाके ये लेक्चर देख लीजिए। तो अगर आप रिलीजियसली ना इसको फॉलो कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी आपका नेट का ड्रीम, आपका JRF का ड्रीम जरूर सच होगा। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज कहीं ना कहीं कवर की है। अगर वहां पे लेक्चर्स में नहीं है तो मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। तो आपकी ड्यूटी, अगर मैं आपको बताती हूँ कि ये लिंक गिवन है आप यहाँ पे देख लो, तो आप एक बार जरूर से उन कॉन्सेप्ट्स को देख लो। बिकॉज अगर आपको लगता है मेरे को आता है, फिर भी उनको एक बार देखना जरूरी है PYQ के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद। क्यों? कि फिर आपका एक रिफ्रेश हो जाता है मेमोरी, एक रिविजन सी हो जाती है उस कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का 170th क्वेश्चन, सीक्वेंस स्टेप्स इन CRM प्रोसेस। CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब सीक्वेंस बोले है ना, स्टेप्स बोले हैं, सीक्वेंस बोले है, तो अरेंज करना पड़ेगा, सीधी बात है। Developing CRM programs, collection of customer data, analysis of customer data, identify the target customers, implementing programs, ठीक है। तो अब सीधी बात है, collecting पहले आता है, analyzing बाद में आता है ना, यानी 2 और 3, पहले भी किसी option में 2 होगा फिर 3 होगा, पहले 2 होना चाहिए फिर 3 होना चाहिए, तो D option तो कट गया है ना, क्यों बाकी सब में देखिए पहले 2 है फिर 3 है। अब सीधा आप डेटा कभी भी कलेक्ट नहीं करते है ना, आप डायरेक्ट पहले क्या करोगे, आप टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करोगे है ना। सो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने पहले डेटा से ही शुरू किया, पहले पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर वो लोग क्या करेंगे, टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे डेटा को एनालाइज करने के बाद, फिर CRM प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, एंड लास्ट एंड फाइनल होगा इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। इसकी एक टिप दे देती हूँ मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन की, सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन की, फर्स्ट एंड लास्ट सेट करो, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सेट कर लिया था कि पहले कलेक्शन होगा फिर एनालिसिस होगा, यानी पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो वो मेरे को यहाँ पे ही दिख गया था बी और सी है ना। फिर मेरे को लास्ट क्या था, लास्ट मेरे मन में सेट था कि इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम लास्ट में ही इम्प्लीमेंट होगा, तो फिफ्थ वाला एक ही कहाँ पे था, बी, तो ऑटोमेटिकली उसी से आंसर बन है ना। तो बहुत जरूरी होता है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट सेट करने की कोशिश करें, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आंसर इजीली बन जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम CRM करते हैं तो सबसे पहले पहले डेटा कलेक्ट करो, डेटा को एनालाइज करो, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो अपने टारगेट कस्टमर्स को डेटा की मदद से, फिर उनके हिसाब से CRM के प्रोग्राम्स बनाओ, फिर लास्ट में उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।